और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का निधन हो गया है। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में वो भर्ती थे। इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे। 54 साल की उम्र उनकी थी और 54 साल की उम्र में ही उन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में की जो बहुत अच्छी हिट भी हुई। यानी कि फिल्मी जगत का एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति याद हुई है। इरफान खान नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। 54 साल की उम्र, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, और इतनी उम्र में भी उन्होंने काफी अच्छी हिट फिल्में भी दी हैं। बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का आज निधन हो गया है। एक दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। काफी बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने बहुत अच्छे कलाकारों के साथ में काम किया और ये जाहिर है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ी क्षति इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री को हुई है। अपूर्णीय क्षति इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे अभिनय किए हैं। बहुत ही दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में पिछले कुछ वक्त से उनका इलाज चल रहा था। पेट की एक बीमारी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। काफी वक्त से उनका इलाज चल रहा था। इस बीच खबरें ये भी आ रही थी कि वो अमेरिका गए हुए थे कुछ साल पहले कैंसर के इलाज के लिए भी। और पिछले वक्त जब उन्हें कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उन्हें पेट की समस्या थी, जहां उनका इलाज चल रहा था, और आज उनका निधन हो गया है। एक बड़ी दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक काफी अच्छे अभिनय करने वाले बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का निधन आज हो गया है। बड़ी क्षति है, बड़ी दुखद खबर है। और आपको बता दें कि इस बात पर यकीन कर पाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ही उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी करीना कपूर के साथ में, जिसमें उन्होंने एक बेटी के बाप का किरदार निभाया था। उस फिल्म को काफी सराहा गया, काफी पसंद किया गया। उनके प्रशंसकों को ये मालूम नहीं था कि ये इरफान खान की आखिरी फिल्म हो जाएगी, क्योंकि जब भी वो बड़े पर्दे पर आते थे, एक सीरियस रोल ज्यादातर वो निभाना पसंद करते थे। और पिछली जो उनकी आखिर फिल्म रही, उसमें भी उन्होंने एक सीरियस किरदार निभाया था, एक बेटी के बाप का। और ऐसे सीरियस रोल को जो उनके प्रशंसक हैं वो काफी पसंद किया करते थे। उनके प्रशंसकों के लिए वाकई में ये दिल दहला देने वाली एक खबर है, एक दुखद खबर है कि इतने महान, इतने अच्छे कलाकार अब उनके बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि भले ही वो ना रहे हों, उनकी यादें उनके प्रशंसकों में हमेशा बरकरार रहेंगी।